नमस्कार दोस्तों, बहुत बड़ी खबर। टैटू गर्ल सोम्या पोखरेल अपने ही जाल में बुरी तरह से फंस गई। जी हां दोस्तों, एक टैटू गर्ल सोम्या पोखरेल भोजपुरी इंडस्ट्रीज में आकर पूरी भोजपुरी इंडस्ट्रीज को इधर से उधर उधर से इधर करके रख दी है। पावर स्टार पवन सिंह के साथ काम करना चाहती थी, लेकिन वो सपना सोम्या पोखरेल का पूरा नहीं हो सका। वहीं अब सपना नहीं पूरा होने पे सोम्या पोखरेल फिर से भोजपुरी इंडस्ट्रीज पे नया जाल बिछाने में लग गई है। जी हां दोस्तों, जिसको देख भोजपुरी की शेरनी कहे जाने वाली अक्षरा सिंह इस तरह से भोजपुरी इंडस्ट्रीज को विनाश होते देख सोम्या पोखरेल पे आग बबूला हो गई है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर। दोस्तों आप सभी को बताते चलूं कि कहा जाता है एक बिहारी सौ पे भारी, लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक नेपाली पूरे भोजपुरी इंडस्ट्रीज पे भारी पड़ते हुए दिखाई दे रही है। जब चाहती है जब किसी को कुछ भी बोल देती है। कभी बोलती है मैं पवन सिंह को नहीं जानती हूँ, कौन है पवन सिंह, तो कभी बोलती है मैं खेसारी को छोड़ किसी के साथ कभी काम नहीं करूंगी। और ये सब खेला बेला करते करते पावर स्टार पवन सिंह के पास काम का भीख मांगने पहुंच जाती है, जिसके कारण भोजपुरिया एक्टर के साथ साथ भोजपुरिया फैंस भी सोम्या पोखरेल पे गुस्सा हो गए हैं।